हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आप ये अपने स्क्रीन पे एक पेंटिंग देख रहे होंगे। आपको पता है ये पेंटिंग किसने पेंट की थी और कौन से ईयर में पेंट की थी और कितना टाइम लगा था इस पेंटिंग को पेंट करने में? और अगर आप इस पेंटर के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं आपको बताने वाला हूँ इस पेंटिंग के पीछे का रहस्य और इस पेंटर का रहस्य और इस पेंटिंग के पेंटर के बारे में मैं बहुत सी आपको फैक्ट्स बताऊंगा, यानी तथ्य बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आप नेक्स्ट अपडेट ना मिस करें। तो माय नेम इज प्रत्युषण, आप सबका स्वागत है इन दिस न्यू वीडियो। तो लेट्स गो गाइस। मैंने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। तो उस पेंटर का नाम था पाब्लो पिकासो। उस पेंटिंग को किसने बनाया? तो पाब्लो पिकासो ने। और वो कब बॉर्न हुए थे? तो 25 अक्टूबर 1881 मलेगा स्पेन में वो बॉर्न हुए थे। स्पेन की एक कंट्री में, मलेगा नाम की कंट्री में 25 अक्टूबर 1881 को बॉर्न हुए थे। और ये बहुत बड़े पेंटर थे। इनको हिस्ट्री में इतना याद किया गया, हिस्ट्री में इतना इनका नाम है, क्या कहना। और इनकी डेथ हुई थी 8 अप्रैल 1973 में मॉगिन्स फ्रांस में, मॉगिन्स नाम के जगह फ्रांस में। और वो जो मैंने आपको पेंटिंग दिखाई थी और उस पेंटिंग का नाम था द व्हिपिंग वुमेन। इनकी सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है वो वाली पेंटिंग। और पिकासो का नंबर 5 फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो पिकासो का नंबर 5 फैक्ट ये है, पिकासो वाज अ पोएट। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक पोएट भी थे। और 1935 में उन्होंने मोस्टली 300 प्लस पोएम्स निकाली थी। और उनकी सबसे फेमस पोएम थी आई वॉक अ लोनली रोड। सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है उनकी आई वॉक अ लोनली रोड। और ये नंबर 5 फैक्ट। नंबर 4 फैक्ट की मैं बात करूं तो नंबर 4 फैक्ट है, डिड पिकासो स्टील द मोनालिसा। उन पे एक आरोप लगा था 1911 में कि उन्होंने मोनालिसा को चुराया। मोनालिसा अपने म्यूजियम से गायब हो चुकी थी, तो उन पे आरोप लग गया कि उन्होंने चुराया। तो बट रिसर्च और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन पे ये आरोप गलत साबित किया गया कि उन्होंने नहीं चुराया है, कोई और। अब नंबर 3 फैक्ट की बात करें तो नंबर 3 फैक्ट यह है, पिकासो फर्स्ट जॉब, पिकासो की फर्स्ट जॉब क्या थी? तो पेरिस के एक आर्ट डीलर ने पिकासो को जॉब दी थी। किसने? पेरिस के एक आर्ट डीलर ने। और उन्होंने उनका फर्स्ट पेमेंट दिया था 150 फ्रांसिस। फ्रांसिस फ्रांस का उस समय की करेंसी को बोलते थे और वो आज के समय में $750 होता है। बहुत बड़ी रकम है ये $750। 150 फ्रांसिस मिलती थी उस समय पिकासो को। और पिकासो अपनी फर्स्ट पेंटिंग कब बनाई थी? वो बॉर्न ही एज अ पेंटर हुए थे। उन्होंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग ले पिकासो पिकाडोर नाम की पेंटिंग, ले पिकाडोर, एज 9 की एज में बनाई थी उन्होंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग। और पेंटिंग का क्या नाम रखा था? ले पिकाडोर। अगर नंबर 1 फैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पिकासो जो थे, पिकासो, पाब्लो पिकासो, वो बॉर्न ही हुए थे पेंटर। उनकी मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकला था, जब वो बर्थ होने के बाद जो फर्स्ट वर्ड बोलता है चाय, तो उन्होंने बोला था पिल्स, पिल्स, PIZ। इस वर्ड का स्पेनिश में मतलब है, स्पेनिश में पेंसिल। उनका फर्स्ट वर्ड जो था उसका स्पेनिश में मतलब है पेंसिल, समझे। तो अगर आपको ये ऐसे फैक्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो लेट्स बाय गाइस।